प्रॉब्लम के साथ जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य संबंधित, तो वो इस फैक्ट्री में भी है। मतलब का ये होता है कि कुछ चीजें होती जो हमारे हाथ में होती, तो वो चीजें अगर रुक जाए तो पता चले कि एक्सीडेंट ही बहुत कम हो जाए। है विदेश में बहुत कम होता है, एक्सीडेंट हो जाए लोग कहते अच्छा एक्सीडेंट हो गया। तो ये है, तो हमारे यहाँ भी जो आपकी ये फैक्ट्री है इसमें भी एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो चीजें रोकी जाती है। कोई चीजें अचानक कुछ ऐसे हो जाए तो हमारे हाथ में नहीं, पर काफी चीजें होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में आपकी छोड़ के कि काफी चीजें को हम रोक सकते हैं अपने लेवल पर, अपने लेवल पर बचा सकते हैं। अब जैसे आपका मैं अभी पूछ रहा था इनसे कि आपके जब ये बनती हैं पैनल्स बनते हैं क्या क्या कहते हैं प्रोफाइल्स वर्ड यूज करते हैं, प्रोफाइल जब बनते हैं तो उसमें एक किसी पॉइंट पे मिट्टी उड़ती है, ठीक है, उसी की डस्ट, ठीक है, उसी प्लास्टिक की डस्ट होती है, ठीक है। अब ये जो डस्ट होती है वो इस तरह की होती है, कुछ तो आपको नजर आ जाती है, हमें मिट्टी पड़ी हुई है, कपड़ा ला साफ कर, ठीक है ना। अब कुछ चीज होती है कि आप ऐसी होती है जो कि नजर ही नहीं आती, वो कहेंगे भाई मैंने साफ तो कर लिया है, आप इसमें कपड़ा मार दो, अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो अभी भी धूल पड़ी हुई है पर आपको नजर नहीं आती। जो सर शेडल लॉसेस होता है ना, वो जो पफिंग होती है वो दिखती नहीं, बट वो कहीं ना कहीं जमीन पे आती है, पता चलता है। जमीन पे भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं, प्रॉब्लम होता है पहनते हैं इंडस्ट्री का आपको वो पड़ा हो फैक्ट्री एक्ट में कौन से मास्क कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री 1948 की है ना, तो संशोधन होते रहते हैं उसके हिसाब से। हर एक इंडस्ट्री में जो भी जहाँ पे उड़ती है मिट्टी उड़ती है कुछ होती है सैंड उड़ती है कुछ उड़ती है, तो हर एक के स्पेसिफिक मास्क है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो मास्क जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जो आप जो दे रहे हैं मास्क जो आपने बताया है वो पहन लो या नहीं पहन लो एक ही बराबर, वो एक जो है मिथ्या, ठीक है ना, कि भाई पहन लिया हाँ भाई मास्क पहनते हैं जी, ठीक है, जब इन्होंने उस समय कहा मास्क पहनते हैं मैंने इतना सुन लिया बस, ठीक है अच्छा मास्क पहनते हैं, बट द थिंग इज दैट जो ये मास्क पहनते हैं वो नाम बराबर ही है, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रीज के ऐसे कामों में मास्क पहनते हैं ये याद रखिए कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डेफिनेटली, पर अगर थोड़े समय के लिए भी है या ज़्यादा समय के लिए है, अगर एक बार ही वो अंदर आप सांस ले रहे हो और वो चीज़ अंदर जा रही है आप, तो वो धीरे धीरे करके वो आपके जो है फेफड़ों को नष्ट करेगी करेगी। मैं बता रहा था ना कि ऐसा नहीं करता, कई बार यार नौकरी छोड़ के 12 साल के बाद भी हो जाता है वो, ठीक है ना। हर एक जो बीमारी का विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड क्या होता है कि जब वो कीटाणु अंदर गया और पहला लक्षण आया, ये दोनों का जो समय होता है ना उसको विंडो पीरियड होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है भाई रात को बारात में आपने खाना खाया, ये खाया, वो खाना खाते ही रात को उल्टी दस्त हो गई, कह जी आपको भी है, हाँ जी हमें भी हुआ, आपको हुआ हमें भी हुआ, अरे खाने में कुछ गड़बड़ था, तो कैसे 2 घंटे में ही आपको लक्षण आ गए। और कुछ होती है जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, 6-6 महीने बाद होता पता ही नहीं चलता जी हमें एड्स है, फिर अचानक देखते रहे ये दो एड्स निकल आया मुझे पता नहीं कैसे निकल आया, ठीक है। उसी तरह ये उससे भी ज्यादा वाली चीजें हैं, तो अगर वो जो मास्क मैं बताता हूँ वो प्रॉपर मैकेनिकल मास्क होते हैं, वो पूरा आपको बड़ा सा होता है, उसका फिल्टर भी इतना बड़ा होता है और वो पूरा टाइट करके बांधते हैं, ऐसा बांधते हैं कि बस आपका जब आप निकालोगे तो पूरा लाल हो जाएगा, ठीक है ना। खासकर उस समय पे जिस समय पे आप वो डस्ट वाले एरिया में काम कर रहे हैं, वो मिट्टी वाले या मिट्टी कहने का मतलब मेरा प्लास्टिक की मिट्टी का या यस से आप पीवीसी रहता है, ठीक है, हां एल्युमिनियम क्लोराइड है, कोई भी प्लास्टिक का ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये पीवीसी कहते हैं, कोई किसी का पाउडर है। अब जो चीज इतने छोटे छोटे कण जो आपको नजर भी नहीं आएंगे, माइक्रोन की बात ही है, आपको नजर ही नहीं आएगा, आपको नहीं सर मिट्टी कहाँ है यहाँ पे, सब कुछ ठीक तो है, अब इस कमरे में धूल है, आप बोलोगे नहीं धूल नहीं है, पर एक्चुअल में अगर आप वो रेज ऐसे होते हैं वो देखो ना, तो मैं देखूंगा ये देखो इतनी सारी धूल चल रही है, ठीक है ना। तो ये बड़े चीजें हैं जो कि वही बात है जो नजर आता है आदमी उसी को लेके चलता है कि हाँ भी सब कुछ ठीक है,
पर ये तो ऐसी चीज है ना कि जो आपको रोज एक समय में, ठीक है, एक समय अंतराल में आपको उस जगह से निकलना ही निकलना है। जो काम करते हैं मजदूर स्पेशली उस जगह पे, वो इस टाइम फ्रेम में या इस टाइम पीरियड में उसको उसके अंदर रहना ही है। जहाँ वो ऑर्डर उड़ता है, बीबीसी का ऑर्डर उड़ता है तो उस